वेलकम टू मैजिकल हैंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और लेटेस्ट बेक डिजाइन सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल हैंड। आज हम बनाएंगे ये ऐसी लैपटॉप बैग जिसमें हमने आगे एक इतना बड़ा पॉकेट रखा है। ये देखिए, हमने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रखने के लिए, और छोटा सा यहाँ पे जिप के लिए पॉकेट, और यहाँ पे हम चाबी वगैरह लटका सकते हैं, और यहाँ मोबाइल रख सकते हैं और पेन भी रख सकते हैं। और अंदर हमने इसमें यहाँ पे बड़ा सा जिप वाला पॉकेट बनाया है, और यहाँ पे हम लैपटॉप भी रख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ और रखना है तो वो भी रख सकते हैं, और साइड में छोटी छोटी चीजें रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। तो चलिए हम ये बैग बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम ये बैग को कैसे कट करना है वो शुरू करते हैं। उसको कौन कौन से पार्ट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें ऐसे दो पार्ट्स चाहिए जिसका मेजर मैंने 15.5x11 का है। ऐसे हमें दो पार्ट्स चाहिए, और उसमें मैंने ये नीचे का पार्ट देखिए, यहाँ पे मैंने हल्का सा कॉर्नर कट कर लिया है। तो ये जो हमारा पार्ट है उसको भी ऐसे ही हमें ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ से हल्का सा कट कर लेना है, थोड़ा सा ही, हल्का सा, दोनों को एक ही नाप का रखना है हमें, ऐसे हल्का सा कट करके ये हमने कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे नीचे का पार्ट्स लेना है, जो उसका मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। ये जो नीचे का पार्ट्स है, यहाँ पे जो बॉर्डर आएगा ये उसका नाप है। ये मैंने लिया है 16x6 का, और मैंने ये यहाँ पे स्टिच के लिए ज्यादा जाएगा इसलिए ये 15.5 है, तो ये 16 है। ये देखिए, मैंने ऐसे दो पार्ट्स कट किए हैं जिसका मेजरमेंट है 6x6 का। मैंने ऐसा स्क्वायर काटा था, फिर मैंने इसको ऐसे क्रॉस में कट किया है। ये जो है यहाँ पे मैंने ऐसे क्रॉस में कट करके ऐसा शेप दे दिया है, जो हम यहाँ पे साइड में लगाएंगे। यहाँ पे बॉर्डर आएगा और साइड में ये लगेगा। ये मैंने क्रॉस में काटते समय यहाँ पे मैंने 5 रखा है और यहाँ पे 6 रखा है, ताकि यहाँ से थोड़ा ऐसे क्रॉस में आ जाए और थोड़ा सा साइड में से कट हो जाए। और इसके ऊपर मुझे पॉकेट बनाना है। ये बॉर्डर का साइड का पार्ट है, उसके ऊपर हमें बॉर्डर बनाना, इसीलिए मैंने ये पॉकेट के लिए 5x4.5 के ऐसे दो पार्ट्स कट किए हैं, और उसके ऊपर हमें मुझे ऐसे पॉकेट बना के इसके ऊपर ऐसे रखना है, ताकि इसके ऊपर मैं ये ढक्कन बना सकूं। तो वो मैंने कट किया है 4.5x4 के ऐसे दो पार्ट्स कट किए हैं, तो टोटल ये 4 है, जिसका दो पार्ट्स का एक ही सेम ही मेजरमेंट है। ये 5x4.5 के दो पार्ट्स चाहिए और 4.5 के 4 के दो पार्ट्स चाहिए। अब हमें ये ऐसी पट्टी लेनी है जिसको हमें, ये जो हमने साइड में पॉकेट बनाया है जो 5x4.5 के है, उसको ऐसे नापना है यहाँ से और यहाँ तक, और ऐसी हमें दोनों साइड पॉकेट है तो दो पट्टी लेनी है ऐसी। तो इसका 1.5x14 है, ऐसी हमें 1.5x14 की दो पट्टी लेनी है। तो ये जो हमने साइड में बॉर्डर के लिए जो पार्ट्स और पॉकेट बनाए, उसके ऊपर हमें जिप डालने वाला बॉर्डर चाहिए, जो ऊपर ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा। तो उसका मैंने मेजरमेंट 26x4.5 का लिया है। ये जो हम क्रॉस में काटेंगे तो यहाँ पे जो 6 का है नीचे बड़ा रहेगा, और ऊपर जो हमने क्रॉस में काटा है वो 4.5 का है, तो ये 26x4.5 का है। ये इसके ऊपर मुझे पॉकेट बनाना है, तो इसके लिए मैंने ये ऐसे स्क्वायर में काट लिया है जिसका मेजरमेंट है 13x8 इंचेस का, और उसको भी हमें ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप कट करना है। ये हमने इसको ऐसे कट कर लिया। अब हमें यहाँ तक जिप को डालना है, यहाँ तक, तो हमें ऐसे निशान करना है यहाँ पे, ये हमारा निशान हो गया। तो ये हमने मार्क किया है यहाँ तक, और यहाँ से हमें जिप लगानी है, तो नीचे हमें बॉर्डर लगाना है। तो उसका नाप हम इसको फोल्ड किया हुआ है, तो यहाँ हम थोड़ा सा स्टिच के लिए रखेंगे, फिर ऐसे हम इसका नाप लेंगे और ये डबल हो जाएगा ऐसे। तो ये मैंने नाप, इसका नाप मैंने लिया है 2x20 का,
ये टोटल 2/20 का है, ऊपर हमारी जिप आ जाएगी। अब जो ये पॉकेट हम लगाएंगे उसके नीचे भी और पॉकेट बनाने हैं हमें यहाँ पे, तो ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डालने के लिए ऐसे पॉकेट बनाना है और यहाँ पे छोटी सी जिप डालनी है। तो ये मैंने काटा हुआ है नॉन मुहेन जो 16/7 का है, और पेन रखने के लिए साइड में स्टैंड बनाना है जो मैंने ऐसी छोटी सी पट्टी ली है जो 3/2 की है, और मोबाइल रखने के लिए पॉकेट बनाना है यहाँ पे। तो हमें ऐसा मैंने स्क्वायर काटा हुआ है 6/5 का, ऐसा कट कर लेना है। ये लैपटॉप बैग है इसीलिए लैपटॉप को रखने के लिए मैंने ऐसे यहाँ पे पॉकेट बनाना है, और ये सेफ रहे इसीलिए मैंने ये नॉन वुन के 4 पार्ट काट के 16/9.5 के कट करके उसके ऊपर ऐसे मैंने स्टिच करके चेक्स भर लिए हैं, और अंदर एक जिप वाला बड़ा पॉकेट हमें बनाना है। तो ये मैंने 16/10 का ऐसा पार्ट्स कट किया है और यहाँ पे हम जिप लगाएंगे, और हैंगर मैंने बैग के लिए कट किए हैं जो 29/5 के हैं, और ऐसे दो कट किए हैं, एक का मेजरमेंट 29/5 है। और हम जो आगे का पॉकेट लगाने वाले हैं वहां पे हम ये हैंडवर्क की बॉर्डर लगाएंगे, एक यहाँ पे और एक ऐसे अलग से दूसरे, तो मैंने ये ऐसी बॉर्डर ले ली है डिजाइनर। तो ये मैंने टोटल 27 इंचेस की बॉर्डर ली है, और आप इसकी जगह कुछ और भी अपने हिसाब से डिजाइन लगा सकते हैं। और ये हैंगर के लिए मैंने 4 रिंग ली है, और मैं ये बैग में 4 पॉकेट जिप वाले बनाऊंगी, तो 4 रनर लिए हैं, और साइड में मैं पॉकेट में ऐसे वेलग्रो लगाने के लिए वेलग्रो लिया है, और जिप का मेजरमेंट मैं बैग स्टिच करते समय बताऊंगी। और मैं बैग में पिंक कलर की पाइपिंग करूंगी, क्रॉस में कट कोई हुई तो उसके लिए ये पिंक कलर का फैब्रिक चाहिए। तो ये मैंने अब हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये इतना मोटा कपड़ा है जो सोफा कवर में यूज होता है उसी टाइप का है, और इसमें मैंने चेक्स भरे हैं, बीच में फॉर्म डाला है और पीछे नॉन वुल डाला है, और मैंने ये बैग में 1 मीटर कपड़ा यूज किया है। अब हमने कटिंग कर ली, अब हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बॉर्डर लगा देंगे, तो बॉर्डर लगाने के लिए मैं बॉर्डर को ऐसे यहाँ पे ऐसे रखूंगी, और यहाँ पे इतनी जगह छोड़ के इसके ऊपर हम स्टिच कर देंगे। और यहाँ पे भी हमें स्टिच करनी है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे साइड में जो नीडल आता है तो वो निकाल लेना है ताकि नीडल टूट जाएगी यहाँ पे स्टिच आएगी। तो अब हमें यहाँ पे स्टिच करना है, यहाँ पे हमने जितनी जगह छोड़ी उतनी ही जगह यहाँ पे छोड़ के हमें ये दूसरी बॉर्डर लगा देनी है। अब हमें यहाँ पे जो हमने कट किया था ऊपर हमें जिप लगानी थी, तो उसका हमें ऐसे ये स्टिच के लिए छोड़ के ऐसे नाप लेना है। तो दूसरी साइड जो हमने कट किया था वहां तक ले जाना है, और थोड़ा सा हमें स्टिच के लिए ज्यादा लेना है और वहां से हमें इसे कट कर लेना है। तो ये हमारी 21 की जिप है, 21 इंचेस की जिप है, और नीचे हमने जो बॉर्डर काटा था उसको दोनों को हमें अटैच करना है। तो उससे पहले ये जो हमारी 2 इंचेस की है तो इसको हमें जिप के यहाँ से हमें ऐसे फोल्ड करना है और जिप के नाप के बराबर रखना है, इतना हमें फोल्ड करना है, और यहाँ पे भी हमें फोल्ड करके नीचे लगाना है। तो ये इसको हमें ऐसे पीछे रखना है, ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रख के, और ऐसे ऐसे रखना है स्टिच, ऐसे करना है इसके ऊपर ताकि हम पिंक कलर की इसके ऊपर पाइपिंग कर सके।
फिर से यहाँ पे हमें थोड़ा खुला रखना है। तो ये जिप से थोड़ा एक्स्ट्रा है, उसको हमें फोल्ड करना है यहाँ से ना, इसको हम फोल्ड कर देंगे। अब हमें इसको ऐसे अटैच करना है जिप को। इसके ऊपर हमें यहाँ पे प्रेस स्टिच कर देनी है। सबसे पहले इसमें हमें रनर डाल देना है। और फिर हमें यहाँ पे इसको अटैच कर लेना है ऐसे, और इसके ऊपर अटैच कर लेना है, स्टिच कर लेनी है। और इसको भी ऐसे प्रेस स्टिच कर देनी है। फिर हमें यहाँ से पूरे राउंड में स्टिच कर देनी है। ये हमारा जिप लग चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको हमें कट कर लेना है। इसके ऊपर अब हम पिंक कलर की पाइपिंग लगा देंगे। अब हमें ये क्रॉस में कटी हुई पट्टी लेनी है, इसको हमें यहाँ से थोड़ा सा खींच के नाप लेना है, इसे राउंड में नाप ले लेना है, थोड़ा सा खींच के लेना है ताकि जब हम लगाएं तो इसका ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि ये क्रॉस में है तो ये थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और अब हमें यहाँ से कट कर लेना है। अब हमें इसको ये जो है उसको हमें अटैच कर लेना है नाप लेके ऐसे, और ये राउंड हो जाएगा। तो अब हमें इसको ऐसे रखना है और ऐसे रख के स्टार्ट करना है। आप ऊपर भी ऐसे रख सकती हैं और नीचे भी रख सकती हैं। ऐसे हमें पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने ऐसे पट्टी लगा दी है, अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। और यहाँ पे हमें इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर हमें स्टिच कर देना है।
ऐसे हमें फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर लेनी है। ये अब पॉकेट हमारा बन चुका है। अब हमें इसको ये दूसरा पार्ट से उसके ऊपर रखना है ऐसे, और हमें ऐसे यहाँ पे सेंटर में रख के हमें ये मार्क करना है। ये मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जिप लगानी है। अब जिप को हमें लेना है और इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। और हमें ये जो नॉन वन का पार्ट है 16x7 का, उसको लेना है। अब हमें इसको इस तरह से प्लेट लेनी है ऐसे, इतनी इतनी हमें प्लेटें लेके जगह छोड़नी है। और हमें सेंटर में ऐसे देख लेके यहां से बीच में हमें स्टिच करनी है बीच में। अब हमें इस रनर जिप में रनर डाल देना है। तो जिप को ऐसे खोलना है और फिर हम दोनों साइड ऐसे जिप को अंदर डाल के पुश करना है रनर को ऐसे। ये हो गया। अब हमें ये जो निशान किया था ये रहा, उससे हमें थोड़ा ऐसे नीचे रखना है। ये निशान यहाँ पे है और हम यहाँ से 1.5 का जगह छोड़ के ऐसे रख रहे हैं और इसके ऊपर हम स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हमें सेंटर है, नीचे निशान हमने किया, यहाँ पे हमें इतनी हमें जगह छोड़नी है और अब हमें स्टिच स्टार्ट करनी है। तो आप ये पॉकेट आपको बनाना है तो बना सकिए, इसको नहीं बनाना है तो नहीं डालना है तो नहीं भी डाले। ऐसे हमें पूरे स्क्वायर में हमें स्टिच कर लेनी है। ये हमने इसको बना दिया है। यहाँ पे हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। और ये हमने छोटा सा जिप वाला पॉकेट बनाया है जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे। और हम अब यहाँ पे मोबाइल रखने का बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें 6.5 का जो नॉन वन का हमारा पार्ट है उसको लेना है, उसको हमें यहाँ से फोल्ड करना है यहाँ से, और थोड़ा थोड़ा साइड में से फोल्ड करना है ऐसे। इसको ऐसे हमें फोल्ड करना है। ये हमारा फोल्ड हो गया है। इसको हमें यहाँ पे ऐसे रखना है ऐसे, इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। यहाँ पे हमें खुला छोड़ना है और यहाँ से स्टिच को स्टार्ट करना है ऐसे, हमें रखना है और फिर स्टार्ट करना है। ये देखिए ये हमने मोबाइल रखने का बना दिया। अब हमें पेन रखने का बनाना है जो हमने 3x2 का कट किया है, तो उसको भी हमें यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करना है और यहाँ से फोल्ड करना है। अब हमें इसको यहाँ
पे रखना है। तो ये जो मैंने मार्क किया है वहां पे हमें ऐसे रखना है और यहाँ पे स्टिच करनी है। इसको हमें ऐसे स्टिच करना है, यहाँ पे हो गया। अब हमें इसको छोड़ देना है और ये जो हमारी पट्टी है उसको थोड़ा सा ऐसे सिकना है, ऐसे ऊपर हो जाए और फिर इसके पास ही हमें स्टिच करना है। और फिर से हमें ऐसे छोड़ के इसको ऐसे ही ऊपर करना है और फिर से हमें यहाँ पे स्टिच करनी है। और फिर से हमें वही थोड़ा सा ऐसे करना है और लास्ट में स्टिच करनी है यहाँ पे इसको अटैच करते हुए। तो ये देखिए हमारा इस यहाँ पे डेबिट कार्ड का, यहाँ पे छोटी सी जिप और यहाँ पे मोबाइल का पॉकेट और ये पेन रखने के लिए बन गया। अब हमें थोड़ी सी यहाँ पे हमें किचन रखने का एक बनाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी नॉर्मन की इतनी सी छोटी सी पट्टी लेनी है। अब हमें ये इतना सा हमें काटना है, ये 2x2 का है, इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है। ये हमने ऐसे फोल्ड कर दिए। अब हमें ये जो हमने निशान किया है जहाँ पे हम पॉकेट को स्टिच करेंगे वहीं पे ऐसे फोल्ड करके लगाना है। इसमें हम रिंग वाले किचन है, चावी है, कुछ भी है, बाइक की, घर की, कुछ भी इसमें हम रख सकते हैं, इसमें स्कूटी की कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमने ऐसे पॉकेट को रखना है, ये हमारा रेती है तो इसको इस सेंटर में ऐसे रखना है और दोनों साइड समान जगह रहनी चाहिए। जहाँ पे हमने मार्क किया था वहां पे हमें इसे रखना है और ये देखिए हमें मार्क किया था वहां पे रखना है और इसको ऐसे ऊपर रहना चाहिए और यहाँ से हमें स्टिच को स्टार्ट करना है। ऐसे हमें पूरे राउंड में स्टिच कर देनी है। ये इसको देखिए यहाँ पे आगे का पार्ट्स रेडी हो गया और ये पॉकेट हो गया यहाँ पे। तो इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे छोटा सा पॉकेट जिप वाला है। तो ये हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। तो अब हम आगे का पार्ट रेडी हो गया। अब ये नीचे का पार्ट से हमारा 16x6 का उसको लेना है और उसको हमें ऐसे सीधा रखना है, ऐसे स्टिच कर और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देना है। इसके ऊपर हमें पाइपिंग करनी है इसीलिए मैंने इसको ऐसे अटैच किया है। अब हमें ये पार्ट्स लेना है जो 4.5x4 के और दूसरा पार्ट हमें लेना है 5x4.5 का लेना है और इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको फोल्ड करना है। यहाँ से हमें फोल्ड करके इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है और ऐसा ही पॉकेट एक मैंने बना लिया है ऐसे। ये देखिए यहाँ पे मैंने वेलक्रो लगा दिया और ये पॉकेट हो गया। तो ऐसा हमें दूसरा मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। अब हमें ये पट्टी को लेना है और यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। और हमें इसको ऐसे रखना है
और इसे यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करना है। और यहाँ से हमें निकल के यहाँ तक हमें नाप लेना है और इसको भी हमें ये जो है इसको भी हमें ऐसे होल्ड करके यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। और फिर हमें यहाँ पे स्टिच करके पूरा राउंड कर देना है। इसको अब हमें सीधा करना है, ऐसे सीधा कर देना है और इसे ऐसे करके यहाँ पे हमें स्टिच करनी है इसके ऊपर। ऐसे हमें पूरे राउंड में स्टिच कर देना है। मैंने यहाँ पे पॉकेट बना दिया है, यहाँ पे इसको स्टिच कर दी और नीचे मैंने ये फोल्ड कर दिया है यहाँ पे। अब मैं ये इसका ऊपर का पार्ट ये ऐसे रखने वाला है, इसको ले रही हूँ। इसको भी हमें ऐसे फोल्ड करना है, यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच करनी है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी फोल्ड करना है और यहाँ पे भी फोल्ड करके स्टिच कर देनी है। अब हमें ये वेलक्रो यहाँ पे इस जगह छोड़ के यहाँ पे लगाना है, सेंटर में हमें लगाना है और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है। ये अब यहाँ पे हमने वेलक्रो लगा दिया। अब ये जो है इसका ये दूसरा हमें यहाँ पे लगाना है, ऐसे यहाँ पे ये जो फोल्ड किया उसको अटैच हो और ऐसे सेंटर में लगाना है। अब हमें ये जो है इसको ऐसे रखना है सेंटर में और यहाँ से हमें स्टिच को स्टार्ट करना है यहाँ से। अब हमें ये जो दूसरा पार्ट है उसको लेना है, इसको ऐसे हमें लगा देना है ऐसे और यहाँ पे हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है, यहाँ पे ऐसे लगा के इसको ऐसे फोल्ड करना है और हमें स्टिच कर देनी है इसके ऊपर। तो ये हमारा पॉकेट हो गया, ऐसे हमें दो पॉकेट बनाने हैं। अब हमें ये पार्ट हमारा उसको लेना है, ये हमें दोनों साइड खुला रखना है ऐसे और ये जो साइड का पॉकेट है उसको ऐसे हमें स्टिच करना है, इसको ऐसे रख के। दोनों साइड हमें ऐसे ही पॉकेट को अटैच करना है और यहाँ पे हमें ऐसे इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर देनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है ये दोनों साइड। अब हमें हैंगर को लेना है और ये जो है उसको हमें अंदर, हम ये थोड़ा मोटा है इसलिए अंदर हम दोनों में नहीं डाल रहे हैं, इसी को ही फोल्ड कर रहे हैं। इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और हमें बीच में स्टिच करनी है। तो ये हमारा हैंगर रेडी हो गया है, हमें ऐसे ही दूसरा बना देना है। अब हमें ये जो हमारे दो हैंगर हो गए हैं
तो इसमें से मैंने इसी हैंगर में से मैंने इतना इतना काट लिया है 1.5 बाय 1.5 का ऐसा, और इसको हमें रिंग में डालना है, इसको हमें ऐसे रिंग में डालना है और इसे फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच करनी है, और हमें जो आगे का पार्ट है उसमें अटैच करना है। ये मैंने आगे के पार्ट्स को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे मार्क किया है, और यहाँ से मैंने 3 हिट्स पे ऐसे निशान लगाया है ये कट करके यहाँ पे। तो इसके ऊपर हमें ये जो हमारे रिंग है उसको ऐसे ऐसे रखना है, यहाँ पे मैंने कट किया है वहां से, और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है। और इसी तरह से हमें दूसरा भी कर लेना है। अब हमें रिंग में ये हैंगर को ऐसे डालना है और इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हमें ऐसे स्टिच कर देनी है, यहाँ पे इसको फोल्ड करके, और इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको हैंगर को ऐसे लगा दिया है। अब मैंने ऐसे ही आगे का जो पार्ट से हमारा उसमें भी ऐसे ही लगा दिया है, तो ये हमारे हैंगर लग चुके हैं। अब हमें 26 बाय 4.5 का जो पार्ट हमारा था उसको लेना है और इसे ऐसे फोल्ड करना है, और बीच में ये मैंने मार्क किया, और बीच में से हमें पूरा कट कर देना है, और हमें बीच में जिप लगानी है। ये हमने बीच में से कट कर लिया है। अब हमें ये जिप, इसी के नाप से हमें जिप लेनी है, और उसको हमें ऐसे उल्टा रखना है, और हमें इसके ऊपर स्टिच करनी है। और इसको हमें ऐसे करना है, और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है प्रेस स्टिच। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही इसको ऐसे उल्टा रख के स्टिच करके प्रेस स्टिच कर देनी है। ये हमारा जिप लग चुका है, और अब हम इसमें रनर डाल देंगे। इसे हमें दोनों ऐसे खोलना है, फिर ये इसमें हमें डालना है ऐसे, और ऐसे पुश करना है। अब हमें आगे का पार्ट लेना है जिसमें हमने दोनों साइड ये अटैच किया था। तो ये हमारा बॉर्डर है जो जिप डाला हुआ, उसको भी हमें यहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पे और स्टिच करनी है। ये हमने स्टिच कर दिया। अब इसको हमें ऐसे पुश करके इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है। ये हमने ऐसे बॉर्डर पूरा कर लिया है। अब हमें ये जो यहाँ पे अटैच कर लिया है उसको हमें ऐसे दूसरी साइड भी अटैच करना है। तो यहाँ पे हमें ऐसे रखना है और यहाँ पे स्टिच करनी है। अब हमें यहाँ पे ऐसे हमने दूसरी साइड किया, उसी तरह से यहाँ पे हमें प्रेस स्टिच कर देनी है। ये हमने दोनों साइड अटैच कर दिया है, ऐसा राउंड हो गया। अब हमें यहाँ से स्टिच स्टार्ट करनी है और पूरे राउंड में स्टिच कर देनी है। हैंगर को हमें नीचे ध्यान रखना है कि वो स्टिच में ना आ जाए। ये देखिए हमने ये बॉर्डर लगा दिया है। अब हमें पीछे का पार्ट लेना है।
अब हमें 16/10 का जो हमारा पार्ट था उसको लेना है और उसमें हमें जिप लगानी है। तो सबसे पहले इसको हमें ऐसे फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर ऐसे रखना है और स्टिच कर देनी है। अब हमें यहाँ पे स्टिच कर देनी है। रनर डाल देना है। हैंगर को हमें यहाँ पे ऐसे करना है, फिर पीछे का पार्ट लेना है और इसके ऊपर हमें ऐसे रख देना है और फिर हमें यहाँ चारों ओर स्टिच कर देनी है। अब ये हमारे जिप वाला पॉकेट लग चुका है। अब हमें ये जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है। अब हमें ये दोनों पार्ट्स लेने हैं, जो 16/9.5 के जो चेक्स भरे हुए पार्ट्स थे उसको लेना है और इसको हमें यहाँ से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है। ये दोनों पार्ट हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसको, ये जो हमारा पॉकेट लगाया है इसके ऊपर हमें ऐसे रखना है दोनों को और यहाँ पे हमें स्टिच कर देनी है। ये देखिए यहाँ पे पॉकेट हो गया है ऐसे। यहाँ पे हम लेफ्ट, ये देखिए यहाँ पे हमने पॉकेट लगा दिया। ये मैंने चेक्स में नॉन फॉर्म इसीलिए डाला था कि यहाँ पे हम लैपटॉप रखे तो ये इसको कोई नुकसान ही न हो और ये सेफ्टी रहे, इसीलिए दोनों में मैंने फॉर्म डाल के चेक्स भरे हैं। तो ये देखिए पॉकेट हमारा हो गया है। यहाँ पे हमारे टोटल 3 पॉकेट हो गए हैं। अब ये हमारा हो गया है तो अब हमें आगे का पार्ट लेना है और इसको हमें यहाँ से स्टिच स्टार्ट करनी है। इसको हमें ऐसे सेंटर में रखना है और यहाँ से हमें स्टिच को स्टार्ट करना है। अभी ऐसे हमें पूरे राउंड में ये लगा देना है, स्टिच कर देनी है। ये ऐसे बैग हमारा रेडी हो गया। अब हमें इसके ऊपर पाइपिंग करनी है पिंक कलर की। इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है। ये पिंक कलर की पाइपिंग क्रॉस में काटी हुई हमने ली है और फिर हमें इसको, ये बैग है उसको यहाँ से ऐसे रखना है नीचे और ऐसे इसके ऊपर हमें स्टिच करना है।
ऐसे हमें पूरे राउंड में स्टिच कर देनी है और इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें पाइपिंग लगा देनी है। ये दोनों साइड मैंने पाइपिंग को लगा दिया, ये दोनों साइड हमने पाइपिंग को लगा दिया। अब उसको ऊपर ले लेना है ऐसे और हमें इसको ऐसे फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है। दोनों साइड हमें इसी तरह से करना है, हमें ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर देनी है। तो ये हमारी पाइपिंग हो गई है रेडी। तो ये हमारी बैग पूरी हो गई है। ये देखिए, इसमें हमने आगे पॉकेट लगा दिया है और यहाँ पे हमने पॉकेट बना दिया और अंदर भी हमने पॉकेट बनाए हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक दो और तीन जिप वाला और बड़ा सा ये पॉकेट और साइड में हमने इसे दो पॉकेट बनाए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ पे। तो ये हमारी बैग रेडी हो गई है। तो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले नए वीडियो बैग की डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।